बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के दरमियान फ़र्क। आप ये भी कह सकते हैं कि एक्सपेंडिचर और उसकी टाइप्स, तो दो तरह की टाइप्स होती हैं एक्सपेंडिचर की, एक होती है कैपिटल एक्सपेंडिचर और एक होते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब यहाँ सवाल ये भी होता है कि इनफैक्ट एक्सपेंडिचर क्या चीज़ होती है, तो इसमें आप इसको एक्सपेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। पिछले भी शायद मैंने कहीं वीडियो में बताया होगा कि एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर में इनफैक्ट फ़र्क क्या होता है कि बेनिफिट का फ़र्क है। अगर आपने कोई चीज़ खरीदी है और वो चीज़ जो आपके पास है उसका आपने बेनिफिट, जो उसका बेनिफिट था वो अगर आपने ले लिया है तो फिर वो आपका एक्सपेंस बन गया है। लेकिन अगर उसके अंदर अभी कोई बेनिफिट मौजूद है और आप उससे बेनिफिट अभी ले सकते हैं तो वो आपका अभी एक्सपेंस नहीं बना। जितना पोर्शन मौजूद है उतना वो अभी भी आपका एसेट है, आपका एक्सपेंडिचर है। आमतौर पर तो एक्सपेंडिचर हम इसी को कहते हैं। अब जो यानी एक्सपेंडिचर जब भी आप लाएंगे उसके बदले में कोई ना कोई पेमेंट होगी। अब हम ये भी कह सकते हैं कि जब हम पेमेंट कर रहे हैं और उसके बदले में जो चीज़ आ रही है उसे हम कहते हैं एक्सपेंडिचर। क्यों हम ले रहे हैं पेमेंट, हम करते क्यों हैं, हम खर्चा क्यों करते हैं? बेनिफिट के लिए ना। यदि जो भी पैसा कहीं लगा रहा है तो पैसा क्यों लगाता है? उसके पीछे एक ही रीज़न होती है कि वो फ़ायदा लेना चाहता है। अब वो फ़ायदा दो तरह का है, एक है कि बस फौरी आया, फौरी फायदा लिया और ख़त्म हो गया, या साल के अंदर अंदर बेनिफिट आ गया या साल से ऊपर निकल गया। अब इसी फायदे को अगर हम शॉर्ट टर्म लैंग्वेज में बात करें तो हम इसके हम फायदे को कह देते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और अगर ये लॉन्ग टर्म में अगर आपको बेनिफिट देना शुरू कर दे साल से ऊपर अरसे के लिए तो उसे हम कहना शुरू कर देते हैं कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। मिसाल से भी हम अंडरस्टैंड करेंगे और मजीद इसके दरमियान जो डिफरेंस है आइए हम इसको देखते हैं। पहली बात वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में कर रहे हैं कि इट बेनिफिट द बिजनेस फॉर सेवरल ईयर। इसका जो बेनिफिट होता है इस एक्सपेंडिचर का वो ज्यादा सालों के लिए होता है, एक से ज्यादा साल के लिए होता है, सेवरल ईयर्स के लिए होता है। इट बेनिफिट द बिजनेस फॉर वन ईयर आर लेस, वन ईयर आर लेस, एक साल या एक साल से कम अरसे के लिए बेनिफिट देते हैं। इट इज नॉन रिकरिंग इन नेचर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आगे हमें जब हमें रीजन बतानी होगी तो उसके लिए हम ये हेल्प करेगा। तो इट इज़ नॉन रिकरिंग, नॉन रिकरिंग का मतलब बार बार नहीं होते, मतलब आप यूजली इनको नहीं आप स्पेंड पेमेंट करते और ख़रीदते जाते हो, रेगुलर बेसिस के ऊपर आप इनको नहीं खरीदते हो। ये वंस इन अ वाइल जो है वो लिए जाते हैं क्योंकि इनका बेनिफिट चूंकि सेवरल ईयर के लिए होता है तो ये कई सालों के बाद फिर खरीदे जाएंगे जब ये एक्सपायर होंगे, चूंकि इनकी लाइफ होती है यानी साल से ज़्यादा, तो मतलब साल के अंदर तो ये तो आप नहीं लेंगे। मीन्स कि ये नॉन रिकरिंग है, ये बार बार नहीं होंगे, जबकि जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है ये बार बार होता है, ये साल के अंदर कई बार होता है। सो इट्स अ रेवेन्यू रिकरिंग इन नेचर। इट इज शोन इन द बैलेंस शीट। ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स होते हैं ये एसेट्स होते हैं और इनको बैलेंस शीट में शो किया जाता है। इट इज शोन इन द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये जो होते हैं ये रेवेन्यू नेचर के, ये आपकी इनकम स्टेटमेंट में जाते हैं, यानी आपकी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यानी कुछ ट्रेडिंग में जाएंगे जो डायरेक्ट होंगे वो ट्रेडिंग में चले जाएंगे, जो इनडायरेक्ट होंगे वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे, लेकिन डेबिट साइड पर, डेबिट साइड पर। हाँ, लेकिन तब मूव करते हैं जब ये एक्सपेंस बन जाते हैं। तो जब हम इनकी बात कर रहे हैं तो इनफैक्ट ये एक्सपेंस हो जाते हैं, तो तभी तो ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर मूव करते हैं। उसके बाद है जी इट बिकम्स एन एसेट फॉर द बिजनेस। ये एसेट बन जाता है, जबकि इट बिकम्स लेटर ऑन दे बिकम्स द एक्सपेंस फॉर द बिजनेस। ये बाद में एक्सपेंस बन जाते हैं जबकि ये एसेट होते हैं। इसमें से जब एसेट जितना जितना यूटिलाइज होता जाएगा वो भी ऑब्वियसली एक्सपेंस में जाता जाएगा, जैसे कि डेप्रिसिएशन, तो ये अल्टीमेटली पूरे के पूरे ही एक्सपेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। इट इज यूजली कॉस्टली एज कम्पेयर टू द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इनकी कीमत ज़्यादा होती है, जैसे मशीनरी है, बिल्डिंग है, तो ये ज़्यादा कीमत में होंगे, और ये कम कॉस्टली होते हैं जैसे कि सैलरी पे कर दी, वेजेस पे कर दी, तो चंद रुपयों में होंगे ये। दीज आर यूजली डेप्रिशिएटेड। ये आमतौर पर एसेट्स होते हैं और ये आमतौर पर डेप्रिशिएट होते हैं। हाँ, लेकिन टेंजिबल होने चाहिए और फिक्स्ड एसेट होने चाहिए, क्योंकि फिक्स्ड एसेट और टेंजिबल वही तो डेप्रिशिएट होते हैं। इनटेंजिबल होंगे तो उनके ऊपर डेप्रिसिएशन जो है वो नहीं होता, लेकिन ऑब्वियसली वो उसके ऊपर डिप्लीशन होता है, कि मतलब उसके अंदर क्या है कि उनमें भी वैल्यू उनकी कम कम होती है विद द पैसेज ऑफ टाइम। उसके अंदर भी वैल्यू के अंदर जो है वो कमी आनी है इनटेंजिबल एसेट्स के अंदर, जैसे गुडविल हो गया या आपके पास जो है वो कॉपी राइट्स, पेटेंट्स वगैरह हो गए, तो ये सारे के सारे। अच्छा, अब इसमें ये डेप्रिशिएट होते हैं सिवाय एक फिक्स्ड एसेट के, जो कि लैंड है। लैंड जो है वो डेप्रिशिएट नहीं होती, तो बाकी सारे के सारे डेप्रिशिएट होते हैं। हाँ, अगर आपका लीज होल्ड लैंड है तो उसका फिर डेप्रिसिएशन वगैरह, उसकी असल में रिटर्न ऑन वैल्यू ली जाती है, उसको लिखा जाता है, वो
वो खैर आगे डिटेल में, मीन्स के फिक्स्ड जो एसेट्स हैं वो डेप्रिशिएट होते हैं और ये जो है इनमें कोई डेप्रिसिएशन नहीं है। हाँ, इट सेल्फ डेप्रिसिएशन जो है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बन जाता है और वो एक्सपेंस बन जाता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर्स रिजल्ट्स इन कैपिटल पेमेंट। जब कैपिटल एक्सपेंडिचर होंगे तो उसका जो दूसरा एस्पेक्ट होगा वो कैपिटल पेमेंट का होगा, मतलब अगर आपके पास कोई एसेट आया तो उसके बदले में जो आपने पेमेंट की वो भी ज़्यादा होनी है। तो अगर आपका एक्सपेंडिचर कैपिटल है तो उसके बदले में आने वाली चीज़ जो होगी वो फिर कैपिटल पेमेंट होगी। इसी तरीके से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिजल्ट्स एंड रेवेन्यू पेमेंट, अगर आपके पास कोई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आया है तो उसके बदले में जो पेमेंट होगी वो रेवेन्यू पेमेंट होगी। दे यूजुअली हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस एक्सेप्ट द इंटेंजिबल एसेट। इनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है इंटेंजिबल के अलावा। इंटेंजिबल जो है वो भी आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जैसे गुडविल, कॉपीराइट्स, पेटेंट्स, इस तरह के ट्रेडमार्क, ये सारे के सारे इंटेंजिबल एसेट भी आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं, यानी फिजिकल नॉन फिजिकल दोनों हो सकते हैं ये। तो यूजली मतलब इनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, और इनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सैलरी है उसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस तो नहीं है, सैलरी की या वेजेस की या कमीशन की या इंटरेस्ट की इनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। दे इंप्रूव द पोजीशन ऑफ द बिजनेस, क्योंकि बैलेंस शीट में जाना है, बैलेंस शीट क्या है, स्टेटमेंट ऑफ द पोजीशन ऑफ द बिजनेस। तो ये क्या करेंगे, उसकी पोजीशन को इंप्रूव करने में हेल्प करते हैं, जबकि ये बिजनेस को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। खर्चे जो हुए, एक्सपेंस जो हुए, यानी एक्सपेंडिचर है लेकिन बाद में ऑब्वियसली एक्सपेंस बन जाएंगे। दे डू नॉट रिड्यूस द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस, प्रॉफिट रिड्यूस नहीं करते क्योंकि प्रॉफिट निकलता है रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, जबकि ये तो है एसेट्स, उनका तो साथ तो कोई नहीं है। हाँ, पेमेंट को ये काम करते हैं, कैश को ये काम करेंगे और ठीक ठाक काम करेंगे, लेकिन ये है कि प्रॉफिट्स पर नहीं है, लेकिन ये एसेट भी तो बन जाते हैं, इनसे बेनिफिट भी तो लिया जाता है। मतलब ना सिर्फ ये पेमेंट होती है बल्कि इससे आपके रेवेन्यू पे फर्क पड़ता है, यानी अगर अच्छी मशीनरी लगा लेंगे तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, सप्लाई की अगर ज़्यादा ज़रूरत है, ज़्यादा लोग डिमांड कर रहे हैं, तो अगर आपके पास मशीनरी अच्छी है तो आप ज़रा जल्दी सप्लाई कर देंगे उनको। अब मैनुअली लगे हुए हैं तो उसके ऊपर चीज़ें इतनी नहीं बनेगी, लेकिन मशीनरी अच्छी है, अच्छी क्वालिटी की, अच्छी प्रोडक्शन देती है उसकी, तो ऑब्वियसली उसका बेनिफिट भी होगा। मतलब ये प्रॉफिट्स को इनडायरेक्टली इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं, लेकिन प्रॉफिट को रिड्यूस नहीं करते, जबकि ये रिड्यूस करते हैं, क्योंकि इन्होंने अल्टीमेटली बाद में एक्सपेंस में कन्वर्ट हो जाना है। जब एक्सपेंस में कन्वर्ट होंगे तो एक्सपेंस जितने बढ़ेंगे उतना आपका प्रॉफिट नीचे आएगा। कैलकुलेशन वाइज एक्सपेंस एग्जाम्पल्स अगर आप देखें, जिसमें परचेज ऑफ मशीनरी, यानी मशीनरी जो है वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग द ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वेजेस पेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू बिल्डिंग। आप देखें वेजेस आमतौर पर तो आपके क्या होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, लेकिन जब नई बिल्डिंग खरीद रहे हैं और उसके ऊपर आपको जो वेजेस पे करने पड़ती हैं उनको हम एसेट की कॉस्ट में ऐड करते हैं, लिहाजा वो कैपिटलाइज्ड एक्सपेंडिचर होता है, तो उसको भी हम क्या कहेंगे कि ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट है। रेवेन्यू में अगर हम देखें तो जैसे चीज़ें जो परचेज ऑफ गुड्स है, चीज़ें अगर आपने खरीदी हैं तो वो आपकी गुड्स जो हैं उनको चीज़ों का खरीदना वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा। सैलरी इज पेड, आपने सैलरी पे कर दी है उसको, वो सैलरी आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी, डेप्रिसिएशन आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ये चंद एक एग्जांपल है, इसके अकॉर्डिंगली हम आगे जो है मूव करेंगे। ये कुछ पॉइंट्स हैं, आपको समझ लग गए होंगे इसके हवाले से, फिर भी क्वेश्चन हो तो आप इसको कमेंट्स में आप हमारे साथ शेयर कर दीजिएगा, और बाकी वीडियो आपको अच्छी लगी मल्टीमीडिया की तो उसको आप लाइक कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ, अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो उसको आप डिसलाइक कर दें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।